Hello, hi guys, welcome or welcome back to my channel. So from so long I wanted to purchase Mama Earth के product and जब से वो hype नहीं चली थी Mama Earth की मैं तब से सोच रही थी कि Mama Earth के products try करूँ अपने ऊपर में and आप लोगों को भी review share करूँ कि क्या सच में ये products काम करते हैं नहीं करते हैं and finally I have purchased Mama Earth के products क्योंकि Mama Earth पे चल रही थी sale and तो मैंने सोचा कि यही तो मौका है तो मैंने लिए हैं चार प्रोडक्ट्स. सबसे पहला है ये उबजन फेस वॉश, देन सेकंड है ये विटामिन सी का फेस मास्क, देन थर्ड है ये विटामिन सी वाला फेस टोनर एंड द फोर्थ वन इज ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स. बेसिकली ऑल ऑफ देम आर फॉर स्किन पर्पज. तो गाइज अभी तकरीबन एक से डेढ़ हफ्ता हो चुका है मैंने इन चारों प्रोडक्ट्स को रेगुलरली सुबह शाम दोनों टाइम यूज किया है एंड मैं आपको आज ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है एंड क्या आपको वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना ये आपके स्किन पे वर्क करेगा एंड कितना ये आपकी स्किन को डैमेज करेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरे बोलने का ढंग पसंद आता है, मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, तो आप मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेस वॉश के बारे में क्योंकि ये सबसे इनिशियल एंड फर्स्ट स्टेप है. तो ये है मामा अर्थ का उबटन फेस वॉश. इसका आउटर पैकेजिंग इज लुकिंग लाइक दिस एंड इसमें लिखा है उबटन फेस वॉश विथ टर्मरिक एंड सैफ्रॉन. मीन्स इसमें टर्मरिक एंड सैफ्रॉन दोनों चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को काफ़ी ग्लोई बनाती है, काफ़ी स्किन का टेक्स्चर को अच्छा करती है एंड ये कहता है कि इट इज़ फॉर टैन रिमूवल. सो सन से आने वाली किरणों से जितना भी आपके स्किन में डैमेज होता है, आपकी स्किन टैन हो जाती है, वो सारी चीजों को ये ठीक करेगा एंड सैफ्रन एंड टर्मरिक बेसिकली सन टैन को रिमूव करने के लिए काफी इफेक्टिव होते हैं. तो चलिए फटाफट से इस फेस वॉश को यूज करते हैं एंड देखते हैं कि इसका आफ्टर रिजल्ट कैसा लगता है. ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई दिस उबटन वाला फेस वॉश एंड इट इज पैराबेंस एंड SLS फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सूट फॉर ऑल स्किन टाइप एंड ये है 249 रुपीज़ का, यानी कि 250 रुपये का प्रोडक्ट है एंड आपको इसमें 100 ml की क्वांटिटी मिल रही है. दिस इज द प्रोडक्ट, यू कैन सी इसमें ना छोटे छोटे से स्क्रबी पार्टिकल्स हैं. लुक एट दिस, ये क्या करेंगे, फेस वॉश करते करते हमारे स्क्रबिंग का भी काम कर लेंगे विच इज़ गुड, टू इन वन प्रोडक्ट लाइक दैट. तो इसमें मैं पानी मिक्स करके अपने फेस पे लगा रही हूँ एंड इट इज़ नॉट अ फोमिंग फेस वॉश तो वो झाग नहीं आएगा. उबटन फेस वॉश है तो लाइक उबटन जैसे सूखा सूखा काम करेगा. सो आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई फेस एंड अच्छे से इसको रब करूँगी क्योंकि उबटन फेस वॉश है तो इट मे टेक टाइम टू पेनिट्रेट इन टू आर स्किन्स. ओके सो आई हैव वॉश माई फेस एंड एज यू कैन सी कि एक अच्छा सा ग्लोई ग्लोई वाला फिनिश मेरे स्किन पे आपको दिख रहा होगा. ओके सो तो आई हैव यूज दिस फेस वॉश 14 से 15 टाइम्स अभी तक एंड आई कैन से यू कि ये फेस वॉश डेफिनेटली वर्क करता है एंड पहली बार में मुझे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा सच पूछो तो, लेकिन जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना स्टार्ट किया मैंने देखा कि मेरी स्किन में ओपन पोर्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, गंदगी जितने भी है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं वो सारी चीज़ें भी 80-90% बंद होनी स्टार्ट हो चुकी है. फेस पे ना वो उबटन लगाने के बाद एक ग्लोई ग्लोई सी फीलिंग एंड एक हल्का फुल्का अच्छा वाला कॉम्प्लेक्शन, वो सारी चीज़ें भी मिल रही थी एंड डेफिनेटली अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो तो आपके फेस पे एक अच्छा वाला कॉम्प्लेक्शन एनहांस होता है जो कि मैंने देखा है. तो अगर आप मुझसे पूछो कि ये फेस वॉश आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं,
आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इसका आफ्टर रिजल्ट आपको भी बहुत ज्यादा अमेजिंग लगने वाला है। नाउ सेकेंड प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू ट्राई इज ममा अर्थ का विटामिन सी वाला फेस मास्क। इट हैज विटामिन सी एंड काओलिन क्ले विच इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। काओलिन क्ले बेसिकली आपके स्किन के टेक्सचर को अच्छा करता है, स्किन में जितनी भी पिगमेंटेशन हो जाती है एंड जो भी कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है वो सारी चीजों को भी ठीक करता है। सो यू कैन सी कि इनर प्रोडक्ट इज लाइक हल्का सा येल्लो एंड लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट है। साथ में आपको निकालने के लिए फेस मास्क ये चीज भी मिल जाती है। तो मैंने इतना सा अमाउंट लिया है एंड इसको मैं अपने फेस पर यूज करके देखूंगी। इसमें से ना वो पेंट वाली खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं पेंट ही अपने स्किन में लगा रही हूँ। एंड आप देख सकते हो कि ये अच्छे से लग नहीं रहा मेरे फेस पे। आई थिंक इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने की जरूरत है, बट मैं इसको ऐसे ही रॉ ही लगा कर देखती हूँ। बिल्कुल वो नेरोलैक वैसा ऐसा लग रहा है कि मैं पेंट ही अपने स्किन में लगा रही हूँ, क्योंकि मतलब सेम वैसे पेंट की खुशबू आ रही है। जैसे ये वाले कलर के पेंट की खुशबू नहीं होती है क्या, वैसी सेम। क्योंकि इसको ज़्यादा छेड़ते नहीं है, ऐसे लगे रहने देते हैं। एंड तकरीबन 10 से 15 मिनट्स तक तो मैं इसको ऐसे ही लगे रहने दूंगी एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। ओके सो आई वॉश्ड माई फेस एंड हल्का फुल्का सा बहुत ही लाइक 5% वाला डिफरेंस आया है। उतना ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं विजिबल नहीं हो रहा, मीन्स आप भी देख सकते हो। लाइक एक बार के यूज में तो हम किसी भी चीज़ को उतना अच्छे से जज नहीं कर सकते हैं ना उसके रिजल्ट को। बट मैंने इस फेस मास्क को तकरीबन 5 से 6 बार अभी तक लगा चुकी हूँ एंड फिर भी मुझे उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता जितना कि अलग फेस मास्क लगाने से मिलता है। 499 rupees का ये एक मास्क मिल रहा है जो कि आपको लगाने के बाद आपको विजिबल चेंजेस भी नहीं दिख रहे, तो इट इज़ नॉट गुड है ना। तो आई थिंक इट इज़ लाइक 50-50 का रेशो फॉर मी। उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं आया एंड उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगा। एंड रिजल्ट तो आपके सामने ही है तो आप अच्छे से जज कर ही सकते हो, है ना। नाउ फेस मास्क लगाने के बाद अब हम उसके बाद लगाते हैं फेस टोनर एंड दिस इज ममा अर्थ का विटामिन सी फेस टोनर विथ विटामिन सी एंड क्यूक्यूम्बर। एंड आप जानते हो कि क्यूक्यूम्बर जो है ओपन पोर्स को टाइटनिंग करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। विटामिन सी जो है आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है, आपके स्किन में टेक्स्चर को पिगमेंटेशन हो चुका है वो सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छा करता है। तो चलिए फटाफट से इस टोनर को भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये एक टोनर है एंड इट हैज विटामिन सी एंड क्यूक्यूम्बर, मीन्स फॉर पोर टाइटनिंग। एंड विटामिन सी एक हल्का फुल्का कॉम्प्लेक्शन भी प्रोवाइड करेगा आपके फेस को एंड इट इज अल्कोहल फ्री, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सूट फॉर ऑल स्किन टाइप। एंड इसका प्राइस है 400 rupees का एंड यू आर गेटिंग 200 ml का प्रोडक्ट एंड इट हैज अ वेरी बैड फ्रेग्रेंस। सीरियसली मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। एस्ट्रिजेंट वाली खुशबू नहीं आती है क्या? बिल्कुल वैसा ही है, आंखों पे जल रहा है जैसे कि एस्ट्रिजेंट या फिर टोनर लगाने के बाद जलता है ना वैसे। सी हल्के फुल्के चेंजेस तो देखने में मिल ही रहे, आप भी देख सकते हो मेरा फेस बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं कहूंगी कि प्रोडक्ट्स बिल्कुल काम के नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी देख सकते हो कि स्किन का टेक्स्चर ऑटोमेटिकली एक रिलैक्सिंग एंड अच्छे वाले टेक्स्चर में बदल गया है ना। ओके सो आई हैव अप्लाइड द टोनर एंड अगर आप मुझसे पूछो तो टोनर रियली इफेक्टिव है। मैं इसको अभी तक एक हफ्ते में दिन में 2 बार यानी कि 14 बार मैंने इसको यूज़ किया है एंड आई कैन सी विजिबल डिफरेंस ऑन माई स्किन। एंड ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स भी अभी उतने ज़्यादा, लाइक 100 में से 80% काम ये कर रहा है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स पे। तो मुझे ना टोनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं आपको बिल्कुल टोनर के लिए रिकमेंड करूँगी ज़रूर। फॉर मॉइस्चराइजर आई हैव परचेज ममा अर्थ का दिस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद एप्पल साइडर विनेगर। अब मैं बताती हूँ कि इस प्रोडक्ट को मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट खाली होने पर आ चुका है एंड इट इज़ फॉर एक्ने प्रोन स्किन। तो मैंने सोचा कि मेरा एक्ने प्रोन स्किन है तो ये काफ़ी अच्छे से मेरे स्किन पे सूट करेगा।
तो जैसे ही आप इस को मॉइस्चराइजर को अपने फेस पे लगाते हो, इट इज ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, बट इसको जैसे ही आप अपनी स्किन में लगाते हो उसके बाद आपकी स्किन में इतना ज्यादा पसीना आने लगता है। अगर आप इस मॉइस्चराइजर को लगाने के बाद मेकअप कर रहे हो तो आपका मेकअप फिक्स तो नहीं होगा आपके फेस पे, बहुत ज्यादा पाउडर लगाना पड़ेगा आपको आपके फेस पे इसको स्टिक करने के लिए। फटाफट से इसका एप्लीकेशन भी हम लोग देख लेते हैं गाइस। ओके, सो द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस ममा अर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद एप्पल साइडर विनेगर। एंड आप देख सकते हो कि इसको मैंने बहुत खाली कर दिया है। फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो बहुत ही धीमी धीमी सी, एकदम ना के बराबर की फ्रेग्रेंस है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। पहले पहले जब मैं इस प्रोडक्ट को, जब मेरा नया नया था ये प्रोडक्ट, तो मैं इसको ट्राई करती थी तो थोड़ा सा ना एक दो बार मुझे एक टिंगलिंग सा इफेक्ट लगा मेरे स्किन पे, बट मैंने इसको कंटिन्यू यूज़ करना स्टार्ट रखा एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट तो मुझे सूट हो गया एंड उसके बाद उतना ज़्यादा वो टिंगलिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो इसके बाद अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है इसको लगाने के बाद, आई डोंट नो व्हाई। इसीलिए मैं इसको जब बाहर जाती हूँ, जब मेकअप करना होता है तब तो नहीं लगाती इसको, मैं रात को लगाकर सोती हूँ। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज्ड स्किन मेरी लग रही है। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है, बस एक ड्रॉबैक जो है वो सिर्फ वही है कि स्वेट बहुत ज़्यादा आता है इसको लगाने के बाद, तो वो चीज़ आपको इरिटेट कर सकती है जो कि मुझे करती है। तो मैं इसको 50-50 रेटिंग दूंगी। रिजल्ट वाइज ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मॉइस्चराइज रखता है बहुत देर के लिए, बट एक जो ड्रॉबैक है वो ही पसीना वाला है, तो 50-50 इसीलिए। सो अब बात कर लेते हैं फाइनल फैसले की घड़ी पे, कि कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये जो दो चीज़ें हैं, फेस मास्क एंड फेस मॉइस्चराइजर, ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। आपको हाईली रेकमेंड करूँगी टू बाय दिस टू प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये वाला फेस वॉश मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका आफ्टर रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा सही है। बस एक बारी में इसको मेरी तरह जज मत कर लेना, 3-4 बार आप यूज़ करोगे ना उसके बाद इसको इसका रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। एंड फेस टोनर भी बहुत ही अच्छा है, अगर आपको ओपन पोर्स है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। सो इट विल बी अ तथास्तु वाला प्रोडक्ट इफ यू हैव ओपन पोर्स एंड ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ऑन योर स्किन, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दिस टू प्रोडक्ट्स टू बाय। सो या आई होप कि मेरा ये जेन्युइन रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट्स होंगे ना, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं हमेशा वहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती हूँ 24/7। एंड या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। Don't forget, I love you all guys and see you in my next video. Till then, खुद से प्यार कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, and bye!